राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष सर्वानंद जी, हम सब के लोकप्रिय नेता बिहार के गांधी माननीय बिहारी ठाकरे जी, माननीय विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, हमारी बहन कृष्णा जी, सीमा जी, मालती देवी जी, नगर यादव जी, सूचना दिया था कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के नेता आज छात्र नौजवानों के दिल के धड़कन, किसान मजदूर के लिए काम करने के लिए सच्चा सेवक और सभी वर्ग को जोड़कर लेकर चलने वाला नौजवान बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वो सिवान आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा संख्या में आइए टरवा के मैदान में और उनके सुनने के लिए, जानने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को लोगों ने निर्णय कर लिया है, इस बार परिवर्तन करेंगे और राष्ट्रीय महागठबंधन के प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी होंगे उनको हम चुनाव जिताएंगे, इसीलिए लोग इतना आए हैं। मुद्दा क्या होगा? भ्रष्टाचार को मिटाओ, घटिया किस्म के काम को जांच कराओ, सभी लोगों को एक सूत्र में मान कर लेकर चलो, अगला पिछला के विवाद को खत्म करो और बेरोजगारी बेकारी जो बढ़ी है, घुसखोरी बढ़ी है, रिश्वतखोरी बढ़ी है, इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाओ। इस तरह की सोच समझदारी किसान मजदूरों के लिए, अच्छे खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था और उनके जो उपज होंगे उसको बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था, ये तमाम कार्य हम लोगों को करना है। और 10 लाख जो है फर्स्ट कैबिनेट में सैंक्शन करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको स्थायी नौकरी दी जाएगी, शिक्षकों का दोहरा जो वेतन है बंद करके वो सभी शिक्षक होंगे, सबको दरमाहा मिलेगा और जो हमारे पेंशन मिलता है 400 रुपया, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग 1000 रुपया प्रतिवर्ष पेंशन देने का काम करेंगे, व्यवसायी भाइयों को सुरक्षा करेंगे और सब लोगों को मिला जुला कर लेकर के चलेंगे। यही हम गौतम पांडे जी से आग्रह है, आइए और अपने बातों को रखिए, समय का ख्याल कीजिएगा। कार्यक्रम है और आप बिहार की यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ जनता को कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि जो बगरुपिया हम लोग के बीच में जो लोकसभा रहकर एमपी रहकर विधायक का चुनाव लड़ने आए हैं, अब कल मुखिया का चुनाव लड़ने जाएंगे, तो जनता उनको जानती है, समझती है, जनता एकजुट हो चुकी है और माननीय अटल बिहारी चौधरी जी को भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है।
जगह जगह देखने को मिल रहा है। उसे मोहल्ला में माननीय माता के घर से उसी की आपका घर है, उसी मोहल्ला में आपका घर है। आज मोहल्ला वासी इतना गहरा पानी में डूबे हुए हैं, एक नाला तक नहीं बनवा सके, एक गली तक नहीं बनवा सके, तो पूरा सिद्धांत का बाकी विकास की बात आप क्या करेंगे। बंधु आप सभी जानते हैं उनको, जानते हैं उनको, चुनाव बिहार में, बिहार में ही नहीं पूरे बिहार में एक बदलाव का लहर बह चुका है, बदलाव का लहर बह चुका है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, हम आगे सीट पर विधानसभा चुनाव जीत हम तो यहाँ आए हैं महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सिवान विधानसभा क्षेत्र से श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनके पक्ष में हम खड़े हैं और सिवान के मतदाताओं से अपील करते हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। क्या कुछ हुआ जो आपने जदयू छोड़ दिया, जनता जानना चाहती है? पहली बात है कि मैं जदयू छोड़ा नहीं हूँ, मैं जदयू में रहते हुए अभी मैं विधायक हूँ जीरा देवी से, और मैं जदयू में रहते हुए हम परिवर्तन के पक्ष में, एक परिवर्तन की ब्यार बिहार में बह रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बिहार में 10 नवंबर के बाद निश्चित रूप से बनेगी। देखिए हम यहाँ जनता से संदेश नहीं आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी आ रहे हैं, उनकी बातों को सुने और यहाँ जो 105 सिवान के लोग विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनको वोट दें और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए, तब जाकर के विकास होगा, शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कृषि में सुधार होगा, बेरोजगारी रुकेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं इस यही आग्रह करूंगा कि आप लोग 105 विधानसभा में माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी को एक एक कीमती वोट दे करके चुनाव जीतें। मैं बोलूं, हाजी नूरुल हुदा खान सिवान जिला अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं और जिला शांति समिति के हम सदस्य हैं। हमको आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे यही एतराज है कि इन्होंने अल्पसंख्यक का वोट राजद के साथ मिल करके ले लिया और राजद को धोखा दे करके हमारे वोट को ले जाकर वह भाजपा से मिल गए, इसलिए नाकाम आदमी है और इस आदमी से हम लोग मुत्तफिक नहीं है। हम लोगों के लिए राजद की सरकार अच्छी थी और रहेगी और इंशाअल्लाह हम लोग बनाएंगे और अल्लाह चाहेगा तो राजद की सरकार बनेगी। किन प्लानों के साथ आप अपना प्लानिंग ये है कि इनका जो भी इन्होंने जो भी अवाम से वादा किया इससे ये उकर गए और कहीं भी कामयाब नहीं रहे। शराब का मुद्दा को लेकर हर तरह का मुद्दा जो है इन्होंने कब्रिस्तान का घेरावा का एक बहाना बनाते हैं और जो जिंदा लोग हैं उनके लिए रोजी रोजगार का इंतजाम नहीं करते हैं, हर जगह कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान को घेर दिया। अरे मुर्दा की जगह कब्रिस्तान है, वो नहीं भी गिरेगा तो चलेगा, लेकिन नौजवान जो भूखे मर रहा है उसके लिए इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। इनका हर बात जो है जुबानी है और ये आदमी मुस्तकिल आदमी नहीं है, ये पलटू राम है और इसको हम नहीं पसंद करते हैं। वाम से मेरी दरख्वास्त है, हर बिरादरी को लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस शख्स को किसी भी हाल में हटाना है और राजद की सरकार को लाना है। जय हिंद जय भारत।